नमस्कार, इट नाउ स्वदेश पे मिटकर मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मनुगिरी और मैं अगले आधे घंटे में बताऊं कि भारतीय बाजारों में बीते तीन घंटों में क्या हुआ और अगले साढ़े तीन घंटे में क्या हो सकता है। दिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर बाजार आज रिकॉर्ड ऊंचाई को छूता है तो इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र एक मजबूत शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और लगातार कह सकते हैं बाजार अभी भी दिन के ऊपर स्तर के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। सभी सेक्टर इंडेक्स देखिए जिसमें खरीदारी आज के ट्रेंड में देखने को मिल रही है। निफ्टी का लेवल देखिए 19,448 का हाई है जबकि 19,865 का लो है आज का, और बैंक निफ्टी देखिए 45,441 का हाई है, 45,231 का इसमें लो है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बाजार में लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी ने वापस से 19,950 को पार किया है। आज अगर देखिए निफ्टी में देख सकते हैं 4,300 शेयर है जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। इतना देर किए चूँकि बाजार जो है कह सकते हैं दिन के ऊपर स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, तो फटाफट बात करते हैं अगले तीन घंटे के ट्रेड की। और अगले तीन घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ निर्मल बंग के नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं। नीरव, शुक्रिया, स्वागत है आपका इटनो स्वदेश पे। हमने देखा है कि जिस तरीके से आज बाजार में मजबूती देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है अगले तीन साढ़े तीन घंटे में बाजार जो है निफ्टी कम से कम जिस रिकॉर्ड ऊंचाई को बड़ी मुश्किल से उसने छूते छूते नहीं छू पाया था, आज छू देगा? यस, गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट एटलीस्ट फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस के पार चली गई है जो 20,000 का था। तो स्पॉट में भी अभी ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। आई बिलीव यहाँ से स्पॉट में भी तेजी आ सकती है और स्पॉट भी 20,000 के पार जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो जो रिवर्सल हुआ 19,200 से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से हुआ, ऊपर में 50-day मूविंग एवरेज हमने 19,450 के पास में पार किया और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल 19,800 के पास में था जो हमने पार कर लिया आज के दिन में भी। सो डेफिनेटली आई बिलीव के सारे ही चीज हमें यही दर्शा रही है कि यहाँ से निफ्टी को जाना ऊपर है, तो करंट लेवल से भी आप फ्यूचर खरीद सकते हैं। 19,920 का उसमें स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 20,150-20,200 ये आपका टारगेट बनेगा। सिमिलर इज द केस फॉर बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो उसका 50-day मूविंग एवरेज था जो था करीब 44,800 के पास में, वो पार होता हुआ दिखा है और उसके बाद आज के दिन में अच्छी स्ट्रेंथ है बैंक्स में और आई बिलीव अब जितनी शॉर्ट्स थी पोजीशन वो अभी कवर होते हुए दिखेगी। तो अब जो सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर जाएगा वो बैंकिंग सेक्टर होगा, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी यहाँ से 46,000 तक एक्सटेंड हो सकता है गेंस। तो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। फ्यूचर में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 45,350 का, ऊपर में अराउंड 46,100 आपका टारगेट बनेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ से बाजार में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। कोई शेयर आपकी नजर में जहाँ पे आप यहाँ से पैसा बन सकता है? देखिए काफी सारे स्टॉक्स हैं पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे स्टॉक मैंने चुने हैं जिनमें जस्ट ब्रेकआउट आया है और जो मिड कैप सेक्टर में ज्यादा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम CDSL एक IT सेक्टर का स्टॉक है जिसमें 2 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है और वो ब्रेकआउट आया है पिछले हफ्ते अराउंड 1250 के पास में, उसके बाद लगातार बाइंग देखी गई है। आई बिलीव यहाँ से आप CDSL जरूर खरीद सकते हैं। यहाँ से 1390 चल रहा है, स्टॉप लॉस आपका बनेगा 1350 का। आई थिंक आपका स्टॉप लॉस कुछ इसमें गलत दिख रहा है, 1350 का स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में टारगेट जो है वो अराउंड 1500 तक का टारगेट इसमें दिख सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो है कॉनकॉर। आई बिलीव कॉनकॉर यहाँ से आप खरीद सकते हैं, ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रेकआउट आ चुका है 700 का लेवल का। 700 के लेवल से स्टॉक नीचे गया था पिछली बारी मगर इस बार वो ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। एंड आई बिलीव ये स्टॉक अब यहाँ से ऊपर में अराउंड 800-820 के पास में जरूर जा सकता है, तो करंट लेवल से आप खरीद सकते हैं। कॉनकॉर का जो पहला टारगेट रहेगा 775 का रहेगा, 710 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा।
तो दो स्टॉक्स खरीदारी करने की सलाह, कौन कौन में जो है 775 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। 710 रुपये का आपको इसमें स्टॉपलॉस लगाना होगा और CDSL के लक्ष्य को स्टॉपलॉस को रिवाइज कर दिए, 1350 का स्टॉपलॉस लगाना है, 1500 का आपको इसमें टारगेट लगाना है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, चाहे वो टिटागढ़ वैगन हो या कालिंदी रेल हो, रेलटेल हो, टैक्समैको रेल, सब में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। मुझे इसमें से टिटागढ़ के वैगन के बारे में जानना है, लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, क्या इस शेयर में भी और मजबूती दिख रही है आपको? देखिए, टिटागढ़ वैगन अगर देखें तो 2020 का जो मंदी आया था उसमें 24-25 रुपए तक गया था, वहां से स्टॉक 840 रुपये हो गया। लगातार तेजी देखी जा रही है इसमें और कहीं पे भी थकने के आसार नहीं दिख रहे हैं, ज्यादा हैवी वॉल्यूम नहीं दिख रहे जो हम कह सके कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है स्टॉक, यू नो कंटिन्यू टू होल्ड इट अगर आपके पास है। इसमें अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में काम करना चाहिए, नीचे में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा इसका 780 का बनेगा, अगर उसके नीचे गया तो एग्जिट करना चाहिए, तब तक के लिए ये तेजी में है और ऊपर में अब यहाँ से 920-940 के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। टिटागढ़ वैगन में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 920 रुपये तक का लक्ष्य मान के चलने रही है, यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखिए जिसमें आज हम देख रहे हैं खबरों के दम पे एक जोरदार रैली देखने को मिली है, जिसमें SGVN है, उसमें हमको 12% की मजबूती देखने को मिल रही है। उसके बाद दूसरा शेयर देखिए वक्रांग, यहाँ भी एक शानदार तेजी देखने को मिली, कंपनी ने आविष्कार इंडिया के साथ करार किया, उसके बाद शेयर में करीब 7.5% की मजबूती देखने को मिली है। श्याम मेटालिक्स देखिए, यहाँ पे जो है हम थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा है, कंपनी के जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम में गिरावट आया उसकी वजह से दबाव देखने को मिला है। नीरव, मैं SGVN पे राय जानना चाहूँगा, ये एक ऐसा शेयर है जिसने लगातार एक अच्छी रैली दिखाई है अगर कह सकते हैं, आपको लगता है कि जो तेजी है ये अभी बनी रहेगी, और अगर किसी ने मौका चूक गया है, कोई चूक गए हैं, तो क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपके शो में मैंने SGVN 45 के लेवल्स पे रेकमेंड किया था, आई बिलीव यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली अच्छी तेजी में है और ऊपर में देयर इज अ चांस, यू नो तभी भी ये बोला था कि 70-75 के लेवल आ सकते हैं, मगर आज ये स्टॉक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है। 72 का लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और उसके बाद अब यहाँ से डेफिनेटली आई बिलीव कि ये स्टॉक में एक नई तेजी आएगी, पेस ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड देयर इज अ चांस कि ये स्टॉक अभी 100 के तरफ चले जाएगा और काफ़ी तेजी से जाएगा। वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है, ब्रेकआउट वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया था, ओवरऑल सेटअप काफ़ी बढ़िया है, आई बिलीव कि यहाँ से भी खरीदारी करी जा सकती है। थोड़ा डिप्स मिले तो डिप्स में भी बाय करें, 72 तक 70 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 100 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो सीधे तौर पर यह रहते हुए थोड़ा गिरावट आ, थोड़ा खरीदारी करके चल सकते हैं, फिर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 100 रुपये तक का लक्ष्य जो है नीरव मान के चल रहे हैं शेयर में। अब एक शेयर देखिए रैली गियर, जल्दी से बताइए, हमने देखा है कि बीते 2 सत्रों से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, जबकि बीते 10-12 सत्रों से शेयर के रेंज में फंसा हुआ था, अब रेंज से बाहर निकल रहा है, क्या रैली गियर आपको इस लेवल पर खरीदारी करने के लिए ठीक लग रहा है? देखिए, 2 साल का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में, ब्रेकआउट आया था करीब करीब 200 रुपए के पास में, उसके बाद लगातार तेजी देखी गई है, एक उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ था छोटा सा, तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आया है आज के दिन में। आई बिलीव ये स्टॉक यहाँ से अराउंड 285-290 तक जा सकता है, तो खरीदारी करी जा सकती है, नीचे में 240 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर में अराउंड 290 आए तभी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 240 के स्टॉप के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन 290 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हमने कई सारे स्टॉक्स पे बात की कैश के शेयरों में जिसमें अच्छी मजबूती देखने को मिली, अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और हमेशा के ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एक्सेस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शुक्रिया, आपके कई सारे ऑप्शन के शेयर्स जो आप ऑप्शंस के कॉल बताते हैं उसमें तो हम शानदार देखते रिटर्न देखने को मिलता है हमारे दर्शकों को। आज कौन सा शेयर बता रहे हैं, कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं आज? धन्यवाद, गुड आफ्टरनून। सो देखिए, आज हमें लगता है कि अब मार्केट ऑलरेडी एक बड़ी तेजी यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यू कर रहा है और एक ऑल टाइम हाई के आसपास वापस हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाइंग का रुझान अभी देखें तो FMCG स्टॉक्स में आज के सेशन में बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हमें लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छी तेजी यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखेगा। तो 1050 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का, ये बाय करने की सलाह रहेगी।
हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा, तो ये कॉल के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 35 रुपए से 40 रुपए तक के आते हुए दिख सकते हैं। इस ऑप्शन में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 11 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का ऑप्शन को यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए कॉल ऑप्शन बाय करके। पे गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी करने की सलाह कॉल ऑप्शन को, 1050 का कॉल खरीदना है आपको 18 रुपये के आसपास, अभी 18 रुपये 30 पैसे के आसपास है, तो इस भाव पे आप खरीद सकते हैं। इसमें जो लक्ष्य होगा 13 से 40 रुपये का होगा, स्टॉप लॉस आपको इसमें 11 रुपये का लगाना है। कोई भी ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और थोड़ा ऑप्शन में संभल के ट्रेड करें। शुक्रिया राजेश जी ये बेहतरीन कॉल बताने के लिए। फटाफट एक स्टॉक्स पर और चर्चा करते हैं। विल्स इंडिया, देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है नीरव, और ये एक ऐसा शेयर है जिसने लगातार जो है बहुत तेज़ी तो नहीं दिखाई, लेकिन एक अच्छी तेज़ी के बाद अप्रैल के बाद एक बड़ी तेज़ी आई, 850 तक गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, वापस से रिकवरी की शुरुआत विल्स इंडिया में देखने को मिल रही है। क्या ये रिकवरी है वापस से शेयर को 850 के ऊपर लेके जाएगा? ये कौन से स्टॉक की बात की आपने? एक्चुअली मुझे मिल गया, स्पेलिंग स्पेलिंग बताएंगे? विल्स इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसका स्पेलिंग बताइए ना प्लीज। ये विल्स इंडिया अभी करीब 700-800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए जब तक आप थोड़ी देर में देखिए, लेकिन उससे पहले फटाफट एक और सेक्टर की बात करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह है कि सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिला? वैल्यूएशन मौजूदा स्तर पर क्या है? ये पूरा एनालिसिस लेके हमारे साथ मेरे सहयोगी स्वामित्व जुड़े हैं। स्वामित्व, सरकारी शेयरों की तेजी के बारे में तो यही कह सकते हैं कि ये रफ्तार रुकी ही नहीं रही है। हमें याद है कि कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि जिन सरकारी कंपनियों की आलोचना उसे खरीद लीजिए, तेजी देखने को मिलेगा। वहां से अधिकांश सरकारी शेयरों में 40 से लेकर कह सकते हैं 50% तक की रैली देखने को मिली है। BSE PSU इंडेक्स अगर हम बात करें तो एक काफ़ी तेज़ रैली मोमेंटम, अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिला। इनफैक्ट मार्च लो से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने सिर्फ 17% के गेन्स दिए, उसके सामने अगर आप देखेंगे तो BSE PSU इंडेक्स ने, जिसमें करीब 55 PSU स्टॉक्स है, सारे मेजर PSU स्टॉक्स आ जाते हैं, वो इंडेक्स करीब 34% चल चुका है, मतलब डबल गेन्स दिए हैं निफ्टी के सामने। अब BSE PSU इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें 3 ऐसे शेयर हैं जो 3x गेन दिए हैं मार्च लो से लेके अब तक, 9 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने 2x रिटर्न दिया है मार्च लो से लेकर अब तक, और 15 ऐसे शेयर हैं जिन्होंने 50% से ज़्यादा के गेंस अब तक हमें दिए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 15, 9 और 3, 12 से 25 से 27 स्टॉक्स ऐसे हो गए जिन्होंने 50% से ज़्यादा के रिटर्न मार्च लो से अब तक दे दिए हैं। अब एक ही स्टॉक पूरे BSE इंडेक्स BSE PSU इंडेक्स में ऐसा है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया होगा, वो है गुजरात गैस। अगर हम शेयरों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है मजगांव डॉक, 249% का रिटर्न एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने दिया है मार्च लो से लेकर अब तक। फिर IRFC आता है 200% के रिटर्न के साथ, रेलवे स्टॉक है, रेलवे फाइनेंसिंग स्टॉक है ये। कोचिन शिपयार्ड ने 191% के गेंस दिए हैं डिफेंस स्पेस में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो MMTC, RVNL, मिधानी, REC ये सारे PSU स्टॉक्स ने करीब 137-146% के गेंस दिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंजीनियर्स इंडिया, PFC, SGVN, BHL ने करीब 100-122% के गेंस दिए हैं। अब ये क्यों रनअप देखने को मिला था हमें PSU स्टॉक्स में? सबसे पहले रनअप शुरू होने के पहले अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते थे पूरे PSU बास्केट के। उसके अलावा अगर आप देखें तो वैल्यूएशन सस्ते होने के बावजूद भी कंपनीज की जो डिविडेंड यील्ड थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो ये दो एक मेजर फैक्टर था बाइंग देखने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज काफ़ी पॉजिटिव रीजंस थे, जैसे कि पावर सेक्टर में अगर हम देखें तो पावर शॉर्टेजेस होने के कारण टैरिफ्स बढ़ गए थे, न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स किए गए थे। उसके अलावा डिफेंस में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का फोकस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ काफ़ी बढ़ रहा था, उसके कारण ऑर्डर विंस भी काफ़ी आ रहे थे। रेलवेज में अगर हम देखें तो बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो घोषणा थी वो काफ़ी हायर साइड पर थी, और ऑर्डर अनाउंसमेंट्स आने के कारण, ऑर्डर विंस के कारण भी हमें अच्छा खासा रैली रेलवे स्टॉक्स में भी देखने मिला। अब ये सब रैली होने के बाद वैल्यूएशंस कहां पे खड़े हो रहे हैं कंपनीज के? सबसे पहले अगर हम देखें तो मजगांव डॉक का वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं तो 40x पे चल रहा है उनका कंपनी का अभी ट्रेलिंग 12 मंथ पी, और हिस्टोरिकल एवरेज अगर आप देखते हैं तो 17x के सामने था। IRFC का प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो 2x है, हिस्टोरिकल 0.8 थे।
कोचिन शिपयार्ड 52 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है जबकि उसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन 18 टाइम्स था। बाकी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे जैसे कि MMTC, RVNL, मिश्रा धातु निगम और REC के केस में प्राइस टू बुक तो अभी भी काफ़ी सस्ता है, करीब 1.2x ही वैल्यूएशन है अभी भी REC का अगर आप देखेंगे तो। उसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया 26x, BHL एक ऐसा स्टॉक है जो 100x से ज़्यादा का PE पे ट्रेड कर रहा है अभी, 106x का PE है, बट हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे तो BHL का वैल्यूएशन करीब 44 टाइम्स के आसपास पहले ट्रेड कर रहा था। शुक्रिया सौमित्र ये जानकारी बताने के लिए। देख रहे हैं कि अब सीधे तौर पे जो कई सारे स्टॉक्स हैं चूंकि अंडर वैल्यूड थे, वैल्यूएशन सस्ता था, तो उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। हालांकि अब कई शेयर जो हैं अपने एवरेज वर्क कह सकते हैं वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सीधे तौर पर चलते हैं बिना समय गवाए स्नेहा पोद्दार के पास MFSL की, उनसे समझते हैं कि किस शेयर को उन्होंने बतौर जो है मिड कैप के मराठी के तौर पर चुना है। स्नेहा, कौन सा शेयर आपको पसंद आ रहा है इस लेवल पर? जी तो मेरी पहली पिक है IDFC फर्स्ट बैंक। जहाँ तक हमने देखा है कि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से बैंक कंटिन्यूसली काफ़ी हेल्दी ग्रोथ दर्शा रहा है। इनफैक्ट बिजनेस ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है अक्रॉस द पैरामीटर्स। नाउ आगे जाके जो हमें लग रहा है ग्रोथ वुड बी लार्जली लेड बाय कमर्शियल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और होम लोन सेगमेंट। वहीं बैंक ने अपने रिटेल डिपॉजिट्स को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है और कासा रेशियो इम्प्रूव हो गया है। कॉस्ट रेशियोज भी जैसे जैसे बैंक स्केल अटेन करेगा कॉस्ट रेशियोज भी नीचे आ जाएंगे। तो ओवरऑल हम काफी बुलिश है इस बैंक पे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रो करेगा बाय मोर देन 30% ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स और इसके लिए हमारा लक्ष्य अराउंड 125 बनता है फ्रॉम 1 ईयर परस्पेक्टिव। मेरी दूसरी पिक है लेमन ट्री। तो होटल बिजनेस में सेकेंड हाफ में डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगा बिकॉज काफी लार्ज इवेंट्स लाइंड अप है। अभी G20 ओवर हुआ है और आगे अभी ICC वर्ल्ड कप है, मिस वर्ल्ड है, तो काफी प्लस फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसके साथ ही साथ सप्लाई काफी लिमिटेड है और अगर हम लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो ऑरिका मियाल है वो लॉन्च होने वाला है अक्टूबर में। तो अक्टूबर में उसके लॉन्च होने से कंपनी की जो ARR है वो और भी फर्दर इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस कंपनी अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को काफ़ी सिंप्लीफाई कर रही है जहाँ पे कि सारे मैनेज्ड होटल्स उसके स्टैंड लोन बिजनेस में आ जाएंगे एंड सारे ओन्ड एसेट्स उसके फ्लोर होटल्स के नाम से रहेंगे जिसको कि बाद में कंपनी वैल्यू अनलॉक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिस्ट भी कर सकती है। तो ओवरऑल होटल ये स्मॉल होटल पे हम काफी बुलिश है एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं अर्निंग CAGR ऑफ मोर देन 40% ओवर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स एंड ROEs भी काफी इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसमें हमारा टारगेट प्राइस बनता है 135। लेमन ट्री खरीदारी करने की सलाह बतौर मिड कैप के महत्व शेयर के तौर पर 135 रुपये के लक्ष्य के साथ नजरिया आपको एक साल का रखना है। IDFC फर्स्ट बैंक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह दे रही है स्नेहा, उनको लगता है कि एक साल में 125 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्नेहा आपका शुक्रिया बिटनो स्वदेश को समय देने के लिए और नीरव आपका भी शुक्रिया बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन